इंशाल्लाह शिवल्ला भी हम जीत कराएंगे। शिवल्ला में अक्सरियत हमारे हक में है। इंशाल्लाह कल का भी एक बड़ी लहर के तहत हमने प्रोग्राम किया था तांडूर में, इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर हमको है। मैं तांडूर के लोगों से भी गुजारिश करूंगा, तांडूर की आवाम से भी गुजारिश करूंगा, तांडूर के लोगों से इस बात का मैं इस बात का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने बड़े पैमाने पर हमारा साथ दिया और हमारे साथ रहे। क्योंकि तांडूर में खास करके जिन इलाके जाते राजेंद्र नगर, महेश्वरम, तांडूर, विकाराबाद, परगी, हमने इन इलाकों का पर्सनली दौरा भी किया। हमको पूरी उम्मीद है तांडूर के आवाम बीआरएस के साथ रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी जो बनाई गई, जो कैलकुलेशन से वोट किया गया और कास्ट बेसिस पे भी अक्सरियत किसकी आ रही है, कौन पूरे लोग यूनाइटेड हो रहे हैं, हमें खाली मुसलमानों को सुनने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है, हमारे वोट को बचाने की जरूरत है। आज खास करके मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा, सब जुट जाइए, बीआरएस के साथ हो जाइए। कासानी ज्ञानेश्वर एक जीतने वाले शख्सियत का नाम है जिनकी अक्सरियत है, वो दिराज तबके से हो, बीसी वोटों की वो इलाका पर अक्सरियत है, बीसी लोग मिलकर पूरे चुनने वाले हैं, हम आपको भी चुनने की जरूरत है। क्योंकि बीआरएस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो हमेशा आपके दरमियान में रही, हमेशा आयमा हजरात के लिए, अगर 70 सालों में नहीं, किसी में भी आयमा हजरात को पूछा भी नहीं, कि सीआर साहब एक वाइस शख्सियत है जिन्होंने आयमा हजरात का ख्याल रखा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग सेकुलर का सभी की बात करें,